हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो आप थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे, हम करने वाले हैं अनबॉक्स नाइकॉन के Z30 की। तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग के साथ साथ आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं कि क्यों आपको नाइकॉन Z30 पे शिफ्ट करना चाहिए। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए और अपने फेवरेट चैनल टेक गली को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अगर आप फोन से अभी तक अपने वीडियो शूट कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, यूट्यूब की शॉर्ट्स बना रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, अब टाइम आ गया है अपने आप को अपग्रेड करने का। क्योंकि ये जो कैमरा है नाइकॉन का Z30, नाइकॉन का दावा ये है कि ये मोबाइल फोन से 14 टाइम्स बेटर है और बिगर सेंसर के साथ है। सो अभी अनबॉक्सिंग के साथ साथ आपको ये बताने वाला हूं कि क्यों आपको इस कैमरा में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो गाइज, अभी से पहले मैंने आपके साथ बहुत सारे वीडियो शेयर किए, चाहे व्लॉग रिलेटेड हों, चाहे हमारे प्रोफेशनल स्टूडियो में हों, चाहे हमारे आउटडोर जाके गैजेट्स के रिव्यू के बारे में। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको अच्छे क्वालिटी वीडियोज दें, और इसी के लिए अगर आप वीडियो की डिटेल्स में जाएंगे, सारे प्रोफेशनल कैमरास के साथ शूट होती है। और अगर आप जितने भी पॉपुलर यूट्यूबर्स को देखेंगे, इन्फ्लुएंसर्स को देखेंगे, इंस्टाग्राम वालों को देखेंगे, तो सब अपने वीडियोस जो हैं वो प्रॉपर DSLR या मिररलेस कैमरा के साथ बनाते हैं। सो आज ये नाइकॉन का जो Z30 है, ये एक मिररलेस बेसिक एंट्री लेवल कैमरा है जो आपके साथ में अभी अनबॉक्सिंग करूंगा और इसके फीचर्स शेयर करूंगा। चलो दोस्तों, अब इसको करते हैं अनबॉक्स। तो इसके अंदर आप देख पाएंगे, ये मिलती है हमको कुछ यूजर मैनुअल फॉर द Z30, और ये है हमारे थोड़े सर्विस सेंटर्स के लोकेशंस और थोड़ा बहुत पेपर वर्क। तो ये है हमारी चार्जिंग केबल, ये हो गया हमारा लेंस, बहुत ही अच्छा और लाइट वेट लेंस। ओके, लेट्स कीप इट हियर। नाइकॉन का स्ट्रैप, नाइकॉन की ब्रांडिंग हो रखी है नाइकॉन Z की इसके ऊपर। बैटरी हो गई, ये आ गया हमारा कैमरा। गाइस, बहुत ही बढ़िया लाइट वेट, कितना क्यूट सा लग रहा है देखो हाथ में, और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। स्क्रीन अमेजिंग। तो अब बात करते हैं कि आपको अब मिररलेस कैमरा पे शिफ्ट क्यों करना चाहिए, वो भी खास करके Z30 पे। दोस्तों, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बहुत ही लाइट पोर्टेबल है, और अगर आप इसको कहीं पे ट्रैवल के साथ भी लेके जाते हैं, इसके लेंस के साथ लेके जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी है। ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है और आपको अच्छे लाइट वेट ट्रैवल के साथ ईजी हो जाएगा शूट करना। सेकेंड दोस्तों, ये कैमरा के साथ मिलते हैं आपको इंटरचेंजेबल लेंसेज। मतलब कि कल को आप सोचते हो कि यार मुझे और अच्छे अच्छे लेंसेज में इन्वेस्ट करना है, मुझे और फोकल लेंथ चाहिए या डिफरेंट लेंस यूज करना है, तो यहां आप डिफरेंट Z माउंट के लेंसेज जो हैं इस कैमरा के साथ यूज कर सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों, अगर आप फोन पे रेगुलर शूट कर रहे हो, अगर आप फोन शूटर हो, तो ये जो कैमरा है ये आपको देने वाला है 14 टाइम्स बिगर इंप्रूव्ड आपकी जो फुटेज है, बिकॉज इसका सेंसर साइज बड़ा है। इसका मतलब यह है कि सेंसर बड़ा है तो लो लाइट में आपकी बढ़िया परफॉर्मेंस होगी, रात को भी आप अच्छा शूट कर पाएंगे और क्वालिटी तो डेफिनेटली बेटर होने वाली है। नंबर चार दोस्तों, आप इसके साथ कर सकते हैं 4K शूट। मतलब क्वालिटी देखो, अगर आपके पास अभी एक नॉर्मल मोबाइल फोन है जिससे आप 1080p शूट कर रहे हैं, 720 कर रहे हैं, इस कैमरा के साथ आप 4K शूट कर पाएंगे। क्वालिटी आपकी रिच हो जाएगी, दिखने में अच्छा लगेगा, जब आप उसको इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे भी डालेंगे तो 4K रेजोल्यूशन के साथ डलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस पे आई ऑटो फोकस का जो ट्रैकिंग है ना, वो कमाल का है। देखो अभी भी आप जो वीडियो फुटेज में देख पा रहे होंगे, अगर मैं राइट लेफ्ट कहीं पे भी घूम रहा हूं, हिल रहा हूं, तो आई ऑटो फोकस जो उसकी ट्रैकिंग है वो बहुत कमाल है। और अगर आप कहीं बाहर शूट कर रहे होगे तो ट्रैकिंग जो है आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। नंबर 6 दोस्तों, अगर आप फोटोग्राफी लवर हैं और आप कुछ एक्शन रिलेटेड शूट करते हैं, जहां आपको हाई फ्रेम शूट करने हैं, रेगुलर फ्रेम शूट करने हैं, तो यहां पे आपको इस कैमरे के साथ मौका मिलेगा 11 FPS करने का। मतलब 11 फ्रेम्स पर सेकंड आप शूट कर सकते हैं बर्स्ट मोड पे, जो कि मैं मेरे को लगता है बहुत ही सही है एंट्री लेवल कैमरा के लिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज इस कैमरे को लेके, आप इसके साथ नॉन स्टॉप शूट कर सकते हैं 125 मिनट्स। दोस्तों मतलब अगर आप व्लॉग करने बैठे हो, यूट्यूब का वीडियो बना रहे हो, कुछ किसी का रिव्यू कर रहे हो या रील्स बना रहे हो, 125 मिनट्स दोस्तों आप आराम से नॉन स्टॉप शूट कर पाओगे, विच आई थिंक इज अमेजिंग। और इसके साथ एक और तगड़ी चीज क्या है कि अगर आपके पास पावर बैंक है, बैटरी बैंक है, उसके साथ आप इसको चार्ज कर सकते हो और उसको यूज करते हुए भी आप इसके साथ शूट कर सकते हो। स्लो मोशन आप कैमरा के अंदर ही शूट कर सकते हो, ये नहीं कि अभी शूट करने के बाद
कल को मैं बैठूंगा एडिट पे, वहां पे फ्रेम रेट कम करूंगा, बढ़ाऊंगा, इसको स्लो मोशन करूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अपने आप कैमरा में इनबिल्ट स्लो मोशन मोड्स हैं, 2-3 डिफरेंट टाइप्स के, उसके साथ आप स्लो मो शूट कर सकते हो। और सबसे बढ़िया, मुझे लगता है सबसे बढ़िया एक और फीचर, मतलब बढ़िया तो सारे ही हैं, एक और कमाल का फीचर यह है कि जो नाइकॉन का स्नैप ब्रिज ऐप है उसके साथ आप वायरलेसली अपनी फुटेज को, फोटोज ने मोबाइल फोन पे ट्रांसफर कर सकते हैं, टैब पे ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड इमीडिएटली भैया दुनिया के साथ शेयर कर सकते हो। और क्या चाहिए, कहीं पे भी हो, बाहर शूट कर रहे हो, अच्छी क्वालिटी शूट करो, फटाफट फोन पे ट्रांसफर मारो और अपने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे आग लगा दो। अगर आप दोस्तों व्लॉगिंग कर रहे हो, आप क्रिएटिव वीडियोज बना रहे हो, रील्स बना रहे हो, इसकी जो स्क्रीन है भाई अपनी तरफ आप टर्न करके आराम से फुटेज शूट कर सकते हो, अपने आप को देखते हो। और निकॉन ने जब ये कैमरा लॉन्च किया था गाइज, इनका मेजर टारगेट ऑडियंस कहा था, वो चाहते थे जितने भी लोग मोबाइल से अभी तक शूट कर रहे हैं वो अपनी गेम को अप करें। वही चीज को करते हुए ये कैमरा जो है मार्केट में लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों अगर प्राइसिंग की बात करें तो नाइकॉन का जो ये Z30 है 1650 लेंस के साथ ये आपको मिलेगा, और अभी इस टाइम पे इसके साथ जो ऑफर चल रहा है उसके साथ मिलता है ये बहुत ही बढ़िया बैग। ये चेकआउट करो, वाइल्ड क्राफ्ट का है, बहुत ही बढ़िया अच्छा क्वालिटी का बैग है, एंड साथ में आपको मिल रहा है 64GB का कार्ड ये मिल रहा है, और बैटरी मिल रही है 2, मतलब के दबा के शूट करो, टेंशन नहीं है कोई बैटरी की। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, कैसा लगा नीचे लाइक कमेंट करके बताना, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, बाय।